जाता है। सो हे गाइस, वेलकम माय YouTube चैनल। सो गाइस, अभी स्क्रीन पर आप एक वीडियो प्ले होते देख पा रहे हो गाइस। सो आज का वीडियो का ट्यूटोरियल इसी पे होने वाले गाइस। इस वीडियो को आप सिर्फ काइन मास्टर पे कैसे बना सकते हो गाइस, ओनली वन काइन मास्टर पे आप इस टाइप का वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली है गाइस। इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना है तो गाइस, अगर आपको भी इस टाइप का वीडियो पे इंटरेस्टेड है और इस टाइप का वीडियो बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो करते हैं लाइक। देन हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो कर लेता हूं स्टार्ट। आज का जो वीडियो है बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से होने वाली, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना गाइस। और आज का टोटली यहाँ पर मैं एडिटिंग सिर्फ काइनमास्टर पे ही करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्लस वाला आइकन को क्लिक कर लेने गाइस। देन आपको यहाँ 1:1 का जो रेशियो इसको ले लेना, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ से आपको इमेज वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ एक ब्लैक कलर का टेम्पलेट को लेना है और इसको खींच कर लंबा कर लेना गाइस। देन आपको फिर से जाना है लेयर वाला ऑप्शन पर, मीडिया वाले ऑप्शन पर, और मैं एक फोटो का PNG का लिंक दे दूँगा, उसको आपको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना। सो ये वाली जो फोटो है इसको इंपोर्ट करना, देन इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर लेना इतना, और इसको भी आपको ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना, ठीक है। अब आपको सॉन्ग को ऐड करना है। सॉन्ग को ऐड करने के लिए लेयर वाला ऑप्शन जाना, मीडिया वाला ऑप्शन जाना, और देन आपको मेरा वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो उस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट करना। और इम्पोर्ट करने के बाद ऐसे ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना। आप चाहो तो दूसरा साउंड को भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने अनुसार, तो देख लेना आपको अगर दूसरा साउंड सेलेक्ट कर लेना तो सेलेक्ट कर लेना अपने अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो का इसको कट कर लेना। कट करने के बाद गाइस अब यहाँ पर आपको सॉन्ग को सुनना है, ठीक है। सुनने के बाद आपको लिरिक्स को ऐड करना है, तो यहाँ से ठीक है दर्द पहले से, तो यहाँ तक आपको मैंने मार्क लगा दिया जैसे कि यहाँ तक रहने देना है। और यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पर लिख लेना दर्द पहले से, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद इसको खींच के लंबा कर लेना और यहाँ पर आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पर आपको मिल जाती है गाइज फॉन्ट, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको जो फॉन्ट मैं ले रहा हूँ उसी फॉन्ट को लेना है तो ले सकते हो, या तो फिर अपना अनुसार कोई भी दूसरा फॉन्ट को भी ले सकते हो। मैं हालांकि यहाँ पर काइनमास्टर का ही इनवेल्ड एक फॉन्ट है गाइज लिटन हिल, इसको मैं लेने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है ये इस टाइप का वीडियो के लिए गाइज। सो मैं इसीलिए ये वाले फॉन्ट को ले रहा हूँ, तो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा मैचिंग लग रहा है, ठीक है। तो इस फॉन्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको बीचों बीच सेट कर देना। देन आपको ये जो लिरिक्स है इसको लास्ट तक इसको भी डायरेक्ट कर लेना, मतलब सॉन्ग के लास्ट तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ से जैसे पहले से यहाँ तक लिख लेना। देन आपको यहाँ से क्या करना, कैची वाले ऑप्शन पे जाना और इसको स्प्लिट कर देना। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये वाली वीडियो बनाना। और यहाँ पर एक क्या करना है, फोटो कैप्चर कर लेना। ये जो जैसे मैंने पहला लिरिक्स लिख लिया, इसको एक यहाँ पर ऑप्शन पे जाना, सेव एट कैप्चर एट सेव कर लेना, जो कि एक गैलरी में आपका फोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट लिरिक्स को भी लिखना है ऐसे ही। अब लिख लेना जैसे यहाँ एडिट पे ऑप्शन पे जाना, एडिट वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे है ज़्यादा, ठीक है, ऐसे लिखना। इसको खींच के बड़ा कर लेना थोड़ा और इसको भी एक आपको इमेज को सेव कर लेना। ऐसे करके आपको क्या करना है, पूरे लिरिक्स को लिखना है। और यहाँ पर जैसे जैसे आप लिरिक्स लिखोगे उससे उससे जैसे यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, इस पर स्प्लिट एड प्लेट कर देना और इधर इधर आपको जैसे यहाँ पर जो भी नेक्स्ट लिरिक्स लिखोगे खुद से, जैसे खुद से लिख लिया, तो जैसे जैसे नेक्स्ट लिरिक्स लिखोगे आपको ऐसे ही करके मार्किंग कर लेना है और फोटो को भी यहाँ से सेव कर लेना है, जिससे कि अभी नेक्स्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको पूरी इस टाइप से लाइनिंग को लिख लेना गाइज। लाइनिंग लिखने के बाद जो मैंने फोटो सेव करने के लिए कही थी उस टाइप से सेव कर लेना, जैसे कि मैंने पहले से ही करके रखा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ गाइज। और ये रहा, देख सकते गाइज कुछ इस टाइप से आपको भी लिख लेनी है। और जब यहाँ पर कंप्लीटली आप लिख लो तो आपको यहाँ से क्या करना है कि जैसे ये वाली जो वीडियो है गाइज, ये वाली वीडियो का अब आपको मैंने मार्किंग भी करके ही रखा है, देख सकते हो पूरी तरह से। सो इस वीडियो को आपको यहाँ से बैक करना है, ठीक है, पूरी तरह लिखने के बाद बैक करना है। देन बैक करने के बाद जो मार्किंग है गाइज उसी मार्किंग को आपको ऐसे करना है और डुप्लीकेट प्रोजेक्ट कर लेना, मतलब मार्किंग बोले तो जैसे कि मैंने ये वाली वीडियो क्रिएट किया था, सॉरी ये वाली वीडियो क्रिएट किया था, एक मिनट, ये वाली मैंने वीडियो क्रिएट किया था, तो आपको ऐसे होल्ड रखना है और यहाँ डुप्लीकेट प्रोजेक्ट कर लेना, ठीक है, जिससे होगा कि ये एक डुप्लीकेट प्रोजेक्ट में चेंज हो जाएगा। देन आपको यहाँ से क्या करोगे दिखाता हूँ आपको, जैसे ये डुप्लीकेट प्रोजेक्ट में चेंज हो गया, देख सकते हो गाइज। सो अब आपको यहाँ से क्या करना, सारे जो फोटोज को डिलीट कर देना,
वीडियोज को डिलीट कर देना, सिर्फ साउंड को रहने देना है, ठीक है। क्योंकि साउंड पे मैंने मार्किंग करके रखा है, मुझे बार बार मार्किंग करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने पीछे वाला वीडियो को भी डिलीट कर दिया। देन अब आपको क्या करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना, जो भी फोटो को आपने कैप्चर वाले सेव करके रखी थी उसी वीडियो को आपको सॉरी उस फोटोज को सब फोटोज को ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ वन बाय वन करके ऐड कर लेना, ये ऐसे ऐड कर लिया। और अब ऐड करने के बाद गाइस जैसे कि मैंने मार्किंग करके रखा था पहले से, आप देख सकते हैं गाइस, तो उसी मार्किंग के अनुसार आपको यहाँ से कट करके एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऐसे करके एडजस्ट कर लेना। सो मैं जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ, देन दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट क्या करना है। सो देख सकते हैं गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पर जो लिरिक्स मतलब जो गाइस ये टाइमलाइन के अनुसार मतलब जो बीट मार्क मैंने करके रखी थी उस बीट मार्क के अनुसार मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया गाइस सारे जो लिरिक्स को गाइस, सारे जो फोटोज को गाइस। अब आपको यहाँ पर इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए ये वाली जो इस पर टच करना गाइस, जो पिक पे मतलब फोटो पे टच करना, देना आपको क्लिप ग्राफिक्स पे जाना और यहाँ कॉल मी डीजे का एक इफेक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपके कन्वर्टर में कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट ना शो कर रहा है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना गाइस। मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा कि कैसे आपको कॉल मी डीजे वाली बीट सिंग वाली इफेक्ट को अपना कन्वर्टर पर ऐड करना है गाइस। सो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। देन आपको यहाँ पर अब आपको आना है और ये जो वन टू टू वाले जो ऑप्शन है और ये टू वाली इफेक्ट को लगा लेनी है। अपने जितने भी फोटोज है सब फोटो में आपको टू वाली इफेक्ट को ही ऐड कर लेना। सो सारे फोटेज पे ऐड करने के बाद आपका जो वीडियो कुछ इस टाइप से लगेगा देखने में। सो अब आपको क्या करना है, इस जो वीडियो को एक बार यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेने, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट जैसे वीडियो हो जाए, सो यहाँ से आपको ये जो सॉन्ग है ये सॉन्ग को यहाँ से हटा देना। देन आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना और जैसे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया गाइज आपने, उस वीडियो को फिर से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना। सो गाइज फाइनली जब ऐड कर लो आप, तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ तो थ्री डॉट पे क्लिक करना, सॉरी ये वाले जो वीडियो पे क्लिक करना और यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है इस पर जाना और यहाँ स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद अब आता है लेयर वाले ऑप्शन पे फिर से जाना, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना और मोशन ब्लर का आपको क्लिक कर लेना। मोशन ब्लर वाला इफेक्ट अगर आपके कैनवास्टर में नहीं आता है तो गेट मोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको मोशन ब्लर वाला इफेक्ट आ जाए तो आपको यहाँ से इसका जो ड्यूरेशन है इसको खींच के वीडियो के लास्ट तक ले जाना, ठीक है। जितना दूर वीडियो है उतना दूर तक ले जाना। देन अब आपको यहाँ पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, सेंड टू बैक कर देना। बैक करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ सेटिंग्स पे जाना और यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है इसको थ्री पे सेट कर लेना। थ्री पे सेट करने के बाद ये जो एंगल है एंगल को आपको थोड़ा सा इधर उधर करना चाहते हो अपने अनुसार कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर और एक इफेक्ट डालना है मुझे जैसे, तो यहाँ पर डन कर देना और यहाँ पर आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना, इमेज पे जाना और यहाँ रेड कलर का जो एक टेम्पलेट को ले लेना, इसका भी ड्यूरेशन को वीडियो को लास्ट तक ले लेना। लास्ट तक लेने के बाद गाइस इसको आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना, सेंड टू बैक कर देना। बैक करने के बाद इसको यहाँ से जूम कर देना ऐसे, या तो यहाँ से डायरेक्टली फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सेंड टू यहाँ पर सॉरी ब्लेंडिंग पे जाना और ब्लेंडिंग पे जाने के बाद यहाँ पर मल्टीप्ले पे सेलेक्ट कर लेना। और अब यहाँ पर जो कलर है गाइस रेड कलर को पूरी तरह से रेड वाला ही सेलेक्ट कर लेना। आप चाहो तो दूसरा कलर भी ले सकते हो, अगर आपको दूसरा कलर का यहाँ पर इफेक्ट डालना है तो इसे ले सकते हो कोई भी कलर को। सो देख सकते हो यहाँ पर जो भी अच्छा लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा मुझे रेड ही अच्छे लग रहे थे, रेड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा जो वीडियो है गाइज ऑलमोस्ट तो तैयार हो ही चुका है गाइज। अब यहाँ से वीडियो को यहाँ पर जाना और वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। सो गाइज जब वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो फिर से आपको काइनमास्टर पे ही रहना है गाइज। देन आपको प्लस वाला आइकन को क्लिक करना, यहाँ वन बाय वन का जो रेशियो इसको लेना है और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद गाइज आपको सबसे पहले तो यहाँ जो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना। देन आपको यहाँ पर वीडियो पे जाना और ये एक वीडियो को इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद गाइज आपको फिर से क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना, देन आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना और वीडियो पे ऑप्शन पे जाना। देन आपको इस वीडियो को भी और एक बार उसी वीडियो को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद गाइज अब आपको थोड़ा सा सेटिंग करना है, यहाँ आपको ऐसे जाना है और यहाँ जो ये फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना और देन आपको ये साइड को ले लेनी है। आप चाहो तो इस साइड को भी ले सकते हो या इस साइड को भी ले सकते हो, मैं इसी साइड को रहने देता हूँ। अब थोड़ा सा लास्ट इफेक्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर जाना और जो फिल्टर वाली ऑप्शन है इसको क्लिक करना, बेसिक फिल्टर पे जाना और यहाँ B05 का जो फिल्टर है इसको आपको ले लेनी है। लेने के बाद गाइज इसको आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अब देख सकते हैं गाइज हमारा जो वीडियो में जो मैं स्टार्टिंग में दिखा था वो वाला स्टाइलिश आ चुका है। अब यहाँ पे आप छोटा थोड़ा सा सेटिंग कर सकते हो, जैसे तो ये जो एरर दिख रहा है इसको खींच के ऐसे
आप कम बेसी करके इसका जो सेटिंग को कर सकते हो, बट यहाँ पर बीच में रहे तो ज़्यादा बेटर लगता है दिखने में। आप चाहो तो इधर साइड भी कर सकते हो या इधर साइड भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो या ऊपर भी कर सकते हो उसे, ठीक है। तो मैं इधर वाले ही रहने देता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज दिखने में। सो आपका जो वीडियो इतना में कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। सो बस यही था गाइज आज का वीडियो में, यहाँ से इतना वीडियो बन जाए तो एक्सपोर्ट कर लेना। उम्मीद करता हूँ आज को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज, जो समझ में आगे कैसे आपको क्रिएट करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ। हम चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि आगे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।